मैं प्रवीण आपका दोस्त आगरा से। तो दोस्तों आज अपने अन्नकूट का प्रोग्राम है, तो वो स्टार्ट होगा करीब 12-1 बजे से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई छोटा ही 15-20 लोगों का ही है, अपने जो फ्रेंड्स हैं वही सब करेंगे। तो अभी दोस्तों जाएंगे सब्जी मंडी, तो सब्जी लेके आते हैं पहले, तो सब्जी ला के फिर वहाँ जो बनेगा, जो भी खाएंगे पियेंगे सब आपको दिखाएंगे। तो आज दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है, देखिए सब लोग वहाँ मिलेंगे, इकट्ठे होंगे। तो चलिए अभी मैं पहले सब्जी लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। हम मिलते हैं फिर सीधे आपको घर पे, और ये हम आए हैं सब्जी मंडी में। अभी अपने मंडी से वापस आ गए हैं और अपने अन्नकूट वाले प्रोग्राम के लिए सब्जी वगैरह हम सब लेके आए हैं। तो अभी दोस्तों हमारे यहाँ गोवर्धन बने हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए। ठीक दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे कुछ बनाए जाते हैं गोवर्धन, ये इनमें जो सीख लगाई जाती है। दोस्तों जी हमारे यहाँ पानी की टंकी रखी है, तो इसमें गाय पानी पीती रहती हैं। अभी एक ये आ गई है, और जी हमारे हुकम सिंह भाई साहब आ गए, उन्हें अन्नकूट का प्रोग्राम है, उसका सब तैयारी करके सामान ले आए। आइए भैया प्रस्थान करो। तो भाई साहब ले आए हैं सामान, तो इस सामान को रखवा देते हैं, तो फिर मिलेंगे हम आपको वही 12-1 बजे के। वही बने हमारे यहाँ कढ़ी चावल और पूड़ी सब्जी और रायता। तो अभी मैं दोस्तों केवल कढ़ी चावल और पूड़ी वूड़ी नहीं खाऊँगा, फिर मैं जाता हूँ अपने वहीं, तो अन्नकूट की तैयारी करते हैं और खाना वाना बनता है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, वहीं मिलूँगा। पंडित जी ने बहुत देर से इंतजार था, और जी सब लोग आज हुए टमाटर काट रहे हैं, और ये हुकम सिंह भाई साहब दाल बनाने में लगे हुए अन्नकूट के लिए, ये सब बैठे हैं। ये यशपाल भैया का प्लॉट है, जब कोई वैसा काम करते हैं ये तो यहीं आ जाते हैं। चल रहा है अभी, थोड़ी देर में स्टार्ट होता है, फिर और आगे आपको दिखाते हैं क्या प्रक्रिया चलती है। और जी जय यशपाल भैया का बेटा है। तो दोस्तों एक हमने ग्रुप का भी उद्घाटन कर दिया है आज, ये अपने अन्नकूट वाले प्रोग्राम वाले दिन ही, और दुबे जी के मतलब बहुत सहयोग रहा है इसमें, उन्होंने सलाह दी कि ग्रुप का नाम ओयो के रूप से ही, मतलब ओयो के नाम से ही रखा जाए, जिससे कि उसका ओयो रूम की तरह इस्तेमाल हो सके दवा के। तो अब ये सब लोग मिलके उस ग्रुप को भरपूर इस्तेमाल करेंगे, कोई चार्ज नहीं है, कोई किराया नहीं है, आप जितना चाहो जैसे चाहो ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना रुकेंगे किसी भी भाषा में कैसे भी। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, अच्छा जरा ये जिज्ञासा थी, बिल्कुल अपने मतलब शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये मेरी जिज्ञासा थी, मतलब इसमें कानूनी गैर कानूनी लीला रासलीला जो भी तो कोई ये तो नहीं कहेगा कर रखना ढीला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेगा भाई साहब, ये सब कर लीजिए क्या, आप कुछ भी कह सकते, मस्ती की हो गई है। अभी तेल गर्म हो रहा है, तो फिर इसमें डालेंगे जीरा, ढंग से गर्म है जाए, जहाँ जीरो डाल दी भैया, जीरो जीरो उठा के पूरे जीरे डाल दिए, पहले एक दो डाल के देखो, डाल दो पूरे जीरे, डाल दो डाल दो। तो अब इसमें डालते हैं दोस्तों जीरा, जीरा बुनिएगा, फिर इसमें डालेंगे हींग, और हरी मिर्च अदरक कुटे हुए हैं उन्हें भी ले लो सारे, ना भैया बोले आप वो चलाओ। अब इसमें हमने डाल दिया हरी मिर्च और अदरक कुटा हुआ, भैया निकाल रहे हैं पेपर पर हल्दी, हल्दी डाल दो। तो अब ये डाल दी हमने हल्दी, इसमें हल्दी डालेंगे, अब डाल दी इसमें मिर्च, अब इसमें धनिया पाउडर, धनिया पूरा डाल दी, धनिया पाउडर पूरा डाल देंगे इसमें, क्योंकि 50-50 ग्राम की पैकेट लाए हैं ज़्यादा, और जी चलते रहे। और जहाँ में अब सुनो भैया सुन रहे हो, तो अब हमने इसमें डाली जो देगी मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, डालने के बाद इसको अब चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। आ जा रहा है अन्नकूट, सब लोग अपना छोटू पंडित जी सलाह दे रहे हैं, अपनी गंजी भाई साहब भी लगे हुए हैं, ये यशपाल भैया भाई जभी चला रहे हैं, ये अरे इसको भी अभी नहीं, अभी तो लास्ट में। तो अब ये नमक भी डाल दिया, अब इसमें टमाटर डाल दो, क्योंकि मसाला जल रही है, स्मेल आने लगी है, टमाटर डाल दो इसमें, टमाटर उड़ा दो। तो और मैं दिखा देता हूँ, देखिए इसका कलर एकदम इतना बढ़िया आ रहा है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आप। तो अभी इसमें मसाला जलने से बचाने के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, इससे कि मसाला जले नहीं। एक बात समझो, टमाटर ने पैसना ही मत समझो, तो पूरी बात को नुकसानदायक काय को रहेगा। असल क्या है, देखो कहीं भी ग्रुप में कोई कार्य होता है, उस ग्रुप में कार्य होने के साथ सभी नहीं, देखो ऐसा है, पहली बात जे जैसे अगर हमारे कोई ब्लॉग देखे तो इसके थ्रू भी समझ सकता है इस बात को, अगर कोई प्रोग्राम हम प्राइवेट कर रहे हैं, पर्सनल ही रहे, हम सब लोग खड़े हैं और सब सहमत है, जय बात जय हो प्रभु, यहाँ पे पंडित जी लेंगे
जिस बनिया तो बावन के साथ रहेगा। सब्जी का दोस्तों कलर काफी अच्छा आया है, तो सब्जी टेस्टी ही बनेगी। देखिए डाली जा रही है, देखो छुआरे डाले हैं, और जो यहाँ से खा के पहलवान हो जाए वो बाद में हमारी आँख नहीं लगा, आँख नहीं लगा। देखो हाथ बदले के नीचे तो इसमें दोस्तों वैसे तो हम बिल्कुल वेज बना रहे हैं ये, पर अगर इसमें कोई नॉन वेज का चला गया हो छोटा मोटा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर खाना टेस्टी बनेगा। पहले पी के बैग नहीं थे। अरे भाई साहब तुम देखिए जितना बड़ा उतना ही मजा है, जितना बड़ा और जितना मोटा हो उतना ही आनंद देता। अरे डर हो तुम्हें, तुम डर भी क्यों रहे जैसी जन को। ये देखो भाई हमारे ब्लॉग की भाई प्रशंसा रूपी आलोचना कर रही है पंडित, डबल मीनिंग बातें करके। नहीं हमेशा हाँ करी थी। अब इसमें ये दाल है तो वो भी डाली जा रही है, पानी डाल रही है। अरे पानी डालो, अरे पानी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मतलब अन्नकूट का प्रोग्राम उसका खाना बन रहा है, और देखिए ये यशपाल भैया का प्लॉट है, तो गार्डन देखिए तुलसी इतने पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छे। ये देखिए तुलसी के पेड़ हैं पूरे प्लॉट में, और ये तोरई की बेल है पूरे, और लगी रही है दोस्तों तोरई, देखिए ये लगी हुई है काफ़ी सारी, एक दो काफ़ी तोरई लगी हुई है। ये हमारे मित्रगण बैठे हुए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ बीच में सब बैठे हुए हैं। नहीं लगी है पर मैं ये नहीं पता कि बहुत जगह आग लग चुकी है। लगती है। भाई साहब देखो हाथ से लगाओगे तो कम लगती है, बोल के लगाओगे तो पूरे बदन में लगती है। देखो कम सिंह भाई साहब मिर्च लगाने की परिभाषा है। और दोस्तों खाना भी बनना है, साथ में मौज मस्ती भी चल रही है, अपनी बातचीत भी कर रहे हैं सब तरह की जो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एज कोई इतनी ज़्यादा तो है नहीं, हम सत्संग और भागवत की बातें करेंगे, जो भी अपने मन पर आती है वो बात कर लेते हैं। तो कम सिंह भाई साहब भी पूरा सहयोग करते हैं हमारे साथ में, अजय भाई साहब और छोटू देवप्रिया जी, अरे सब ला गए, जैन साहब भी आ गए हैं। तो बस अभी खाना बनना है, थोड़ी देर में बनाए हैं, जो सीटी पे सीटी मार रही है। तो ये देखिए आपको दिखाता हूँ सब्जी हमारी, लेंगे अदरक को, तो इसमें अदरक भी डाल दिया है, रोक लिया जाएगा भाई। अब देखिए दोस्तों सब्जी दिखाता हूँ आपको, एकदम बढ़िया जबरदस्त है भाई तैयार, और पूड़ी बनना हुई है स्टार्ट। तो देखो जो हमारे यशपाल भैया पूड़ी बना रहे हैं, और ये कुछ पूड़ियाँ बन के हुई हैं तैयार, ये आटा वाटा लग के सब तैयार व्यवस्था। तो बस अभी थोड़ी देर लगेगी, तो खाना करते हैं स्टार्ट और सबको खिलाएंगे। पूड़ी बना रहे हैं अभी दोस्तों, सब अपना सहयोग कर रहे हैं, तो सबके सहयोग से ही प्रोग्राम बड़े उच्च स्तर पर पहुंचने वाला है। लो पकड़ना, स्टार्ट करने से पहले मंदिर के लिए निकाल रहे हैं पूड़ियाँ, मीठे में घोड़े खा रहे हैं अपना अन्नकूट पूड़ी और गुड़। सब खा रहे हैं, जैन साहब भी हैं बराबर में, दूसरे हमारे सब विनोद भैया छोटू बघेल साहब प्रियांशु जी सब भोजन कर रहे हैं, प्रयास भी लगे हैं। ऊपर मुँह करो भैया, देखे तो लेने का भाई, और जे माए जैन साहब पूड़ी बेल रहे हैं, सभी के सहयोग से बढ़िया वो प्रोग्राम मस्त। यशपाल भैया पूड़ी सेका सेक लगे हैं, क्या कर रहा हो जी? ठीक है मजाक कर सकते हो ना, ये दो तो आदमी मजाक न सहन करते न क्या देता है। गम सिंह भाई साहब और यशपाल भाई साहब सब भोजन कर रहे हैं, हाथ ओलाओ हाथ। हेमंत जी भाई साहब हैं, जलपान कर रहे हैं, बस भाई साहब भोजन करेंगे, भाई साहब के संग हैं भाई साहब, और जी भाई अंकल जी हैं। चलो भैया सब भोजन करो, भोजन कैसा हो टेस्ट करके बताओ। बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त।
चलो जो भैया है तो बस जे माई लास्ट पंगत है, अब इसके बाद कोई आएगा नहीं। तो प्रोग्राम का समापन हो गया है, कढ़ाई उतर गई है चूल्हे से और जैमी भाई जैगे चले गए हैं और जय भाई विनोद भैया बैठे हैं, मास साहब बैठे हैं और यशपाल भैया जी भाई चूडू पंडित जी बैठे हैं, तो सब फ्री है और जी भाई साहब को परात है तो खटखटाए दी है इनसे बन जाए जी बस ठीक है भैया है वो समापन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स जो अपना अन्नकूट का प्रोग्राम था वो गया अभी समाप्त, तो उसको पूरा समाप्त करके अभी हमारे घर पे, तो मैंने उसको एक अपना अमेजोन से जो हेलमेट पे कैमरा माउंट करने के लिए मंगाया था एक्शन प्रो का, तो इसकी करता हूँ अनबॉक्सिंग क्योंकि ये दोपहर में ही आ गया था तो उस टाइम में थोड़ा बिजी था तो मैंने खोल नहीं पाया, तो इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कैसा है ये। दोस्तों अभी मैंने इसको खोल दिया है तो इसके अंदर से एक अपना ये फोन होल्डर निकला है जो फोन को होल्ड करता है वो, और एक अपना ये एक्शन प्रो का टैग निकला है और ये जो फ्रेंड्स रबड़ है वो फोन को पकड़ती है, ये रबड़ने के लिए ठीक है क्योंकि अच्छी क्वालिटी की है, और ये अपना स्ट्रिप वाला है जो फोन पे ऐसे करके माउंट करना है, तो इसको अभी हेलमेट पे या तो सुबह करेंगे। दोस्तों इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, वैसे रबर क्वालिटी भी अच्छी है, स्ट्रिप वगैरह भी सही है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों बढ़िया है। और ये एक अपना जैक माउंट बोलते हैं क्या, तो इसको अभी भी सेट करेंगे, तो ये इसमें ऐसे डाल देना है ऐसे दोस्तों, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कल जो कलम गाँव जाऊँगा तो इसी से ब्लॉग उठते रहते हैं। तो अभी दोस्तों मैं बाहर ही हूँ, तो अपना जो अन्नकूट वाला प्रोग्राम था तो वो तो सब ओके में घर पे ही आ गया था, तो अपना जो मैंने जो गैजेट्स वगैरह मंगाया था जैसे मोबाइल हेलमेट होल्डर, तो वो मैंने मंगा के अनबॉक्स भी कर दिया था, मैंने आपको दिखा भी दिया था, तो मैं अभी दोस्तों बाहर आया। तो दोस्तों जितने पटाखे दिवाली पर चले तो उतने आज भी चल रहे हैं, शायद आपको काम लगा होगा, देखिए दिवाली कंटिन्यू है जो दोस्तों कल भी रहेगी, कल तक रहेगी, कल ही शायद गोवर्धन पूजा कल ही होगी, गोवर्धन पूजा भी दोस्तों कल ही होगी, तो गोवर्धन पूजा के टाइम पे दोस्तों इतने चलाएंगे, हमारे पास भी रखे हुए हैं तो वो हम गोवर्धन पूजा के टाइम पर ही चलाएंगे। और मैं आपको अपने गोवर्धन महाराज दिखा देता हूँ, वैसे मैंने आपको दिन में दिखा दिए थे, तो ये हैं दोस्तों हमारे गोवर्धन महाराज, तो इनको देखिए दोस्तों खीर दूध वगैरह पूजा वगैरह हो गई है, तो कल दोस्तों जैसे हमारे गाँव वगैरह में जैसे परिक्रमा वगैरह लगाते हैं में, तो काफ़ी लोग होते हैं पर यहाँ पर हम जो 3,000 मेंबर हैं जो घर के, वो सब साथ मिल के परिक्रमा वगैरह सब लगाएंगे, तो कल जो पूजा होगी वो हम दिखाएंगे कल आपको। चलिए तब तक के लिए बाय, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिए।